उस संदीप को लेकर जो पुलिस है वो शादी के मंडप पर पहुंच गई। आप देख सकते हैं ये थर्ड बटालियन की जो गाड़ी है इसी में काला जठेड़ी सवार है, और आगे देखिए एक और पुलिस की गाड़ी, और उसके आगे एक और जिप्सी, और उसके आगे स्वात कमांडोज। तो किस कदर जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर दी गई है। शुरू से ही एक थ्रेट जो है वो बताई गई थी, इस बात की आशंका थी कि जो गैंग वॉर है वो यहाँ पर हो सकता है, और यही वजह है कि कोर्ट की तरफ से महज 6 घंटे का जो पैरोल है वो मिला था, और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की जो पैरोल है वो दी गई है, और उसके बाद वापस शाम को 4 बजे जो काला जठेड़ी है उसको वापस तिहाड़ लेकर जाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह की जो सिक्योरिटी है उसमें यहाँ पर इस शादी के लिए जो दूल्हा है एक बड़ा गैंगस्टर, लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ, कई एक्सट्रॉशन के हत्या के बड़े मुकदमे वो दर्ज है, और उस गैंगस्टर की शादी आज लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के साथ है, और उस शादी को लेकर पुलिस ने भी खासी सिक्योरिटी के प्रबंध किए हुए हैं। इलाके में भी लोग हैरान हैं, आसपास निकले हुए हैं और तमाशबीन बने हुए हैं, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसी शादी नहीं देखी जहां पर इस तरीके से पुलिस के साए में दूल्हा पुलिस की वैन के अंदर पहुंच रहा हो। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो आगे एक दूसरा रास्ता है वहां से पुलिस की कोशिश है कि जठेड़ी को अंदर लेकर जाया जाए, क्योंकि अपने कैमरामैन से कहूंगा सुनिए, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का जो एक थ्रेट है वह बना हुआ है, और उसी को लेकर जो पुलिस है वो यहां पर अपनी तैयारियों के साथ पहुंची है, और फिलहाल जो जठेड़ी है उसको लेकर पुलिस पहुंच चुकी है। 10 बजे से शाम 4 बजे तक का जो समय है वो है इस शादी के लिए, उसके बाद तुरंत तिहाड़ ले जाया जाएगा। कल भी 6 घंटे का पैरोल और मिला है, वो गृह प्रवेश के लिए कोर्ट की तरफ से इजाज़त दी गई है। तो अपने आप में एक अनोखी शादी राजधानी दिल्ली के अंदर होते हुए, जिसमें गैंगस्टर काला जठेड़ी की अपनी पूर्व प्रेमिका अपनी गर्लफ्रेंड अनुराधा के साथ शादी हो रही है, और आप सामने देखिए जो बस है उसको पूरा मंडप के अंदर लेकर जाया गया है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से पुलिस एहतियात बरत रही है, कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, और बकायदा बस को मंडप के नजदीक ले जाया गया है। और अब से कुछ ही पलों में आप देखेंगे जो जठेड़ी है वो बस से उतरेगा।